मैं दीक्षा सिंह परिहार, समाचार के संक में आपका स्वागत है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन में भेंट की और प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से कर्नाटक राज्य के पत्रकारों के दल ने विधानसभा सचिवालय में मुलाकात की और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में अपने विचार साझा किए। गुना जिले के जनपद पंचायत आरोन के ग्राम पंचायत टंक परोरिया के शासकीय मिडिल स्कूल में एक शिक्षक और एक शिक्षिका है। स्कूल के बच्चों ने बताया कि स्कूल खुलता तो सही टाइम पर है, लेकिन मैडम कभी 12 बजे तो कभी 1 बजे आती हैं। पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि यह रोज की बात है। जब हमने शिक्षिका निशा जैन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के आगे आने से मना कर दिया। वहीं जवाबदार अधिकारी इन विद्यालयों का निरीक्षण करना उचित ही नहीं समझते हैं। यदि इन विद्यालयों का यही हाल रहा तो इन विद्यार्थियों के भविष्य का जवाबदार कौन होगा? आरोप आपके ऊपर है, जवाब आपको देना पड़ेगा मैम। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आठवीं, सातवीं, छठी। छठी में। स्कूल कितनी बजे लगता है? 10:30 बजे तक लग जाता है। मगन सर आते हैं तो 10:30 बजे तक लग जाता है। कितने सर आते हैं स्कूल में? दो, एक मैडम। तो मैडम कितनी बजे आते हैं? तकरीबन 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तक आती हैं? 1 बजे तक आती हैं। और स्कूल बंद कर कितनी बजे चली जाती हैं? तकरीबन 3 या 4 बजे तक। 3 बजे तक बंद कर चली जाती हैं? 3 बजे तक चली जाती हैं। जल्दी नहीं आते? नहीं आते सर। आप लोगों ने बोला नहीं कि मैडम जल्दी आया करो? बोला था, पर 1 ही बजे आते हैं। क्या बोलती हैं? हमारे पास क्या साधन थोड़ी है, हम जल्दी आ जाओ। अच्छा, ये बोलती हैं। ओ, अभी कितने बजे हैं? अभी 12 बजे। अभी स्कूल नहीं लगा? नहीं लगा। है ना, 12 बच्चों के हैं। स्कूल नहीं लगा, कोई भी नहीं आया आपके स्कूल में? है ना, सर आए ना मैडम आए? सर तो फिर भी आते हैं, मैडम तो आती नहीं है ना? मैडम तो कभी कभी आती हैं, है ना। हाँ, मन मर्जी की चाल चल रहा है, शिक्षक शिक्षा है। देहात ब्यावरा द्वारा रेलवे पटरी पर मिले अज्ञात शव की शिनाख्त करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 22 फरवरी को ग्राम पडोनिया में रेलवे लाइन पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। इस मामले में थाना ब्यावरा देहात द्वारा मार्ग पंजीबद्ध कर अग्रिम जांच की गई। जांच में पाया गया कि लाश ग्राम पडोनिया के रहने वाले कैलाश डांगी की है। मृतक कैलाश डांगी ग्राम पडोनिया के दौलत राम डांगी के खेत में मोहन डांगी के थ्रेशर से गेहूं निकालने का कार्य कर रहा था। इस दौरान कैलाश डांगी थ्रेशर मशीन में गेहूं के पूले डालते हुए मशीन के अंदर चला गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तब दौलत राम डांगी एवं मोहन डांगी द्वारा मृतक कैलाश डांगी को टाट के बोरे में भरकर रेलवे क्रॉसिंग पर डाल दिया गया। जांच के बाद दौलत राम डांगी एवं मोहन डांगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2/18 को पड़ोनिया रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात शव छत्रपिछत हालत में बरामद हुआ था, जिसके सिर और बालों में गेहूं का भूसा भरा हुआ था। जिसे प्रथम दृष्टया ऐसा लगता था कि डेड बॉडी को कहीं से लाकर यहां डाला गया है। इस संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निर्देश प्राप्त हुए और थाना प्रभारी संजीत मावे द्वारा लगातार पतारसी करने पर ज्ञात हुआ कि एक कैलाश धोबी नामक व्यक्ति दौलतराम के यहाँ मजदूरी पर काम करता था। रात में उसके थ्रेसर में फंसने से मृत्यु हुई, जिसको दौलतराम और उस ट्रैक्टर थ्रेसर मालक मोहन दागी द्वारा मोटरसाइकिल से लाकर वहाँ डाला गया था। इस संबंध में थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील के अंतर्गत लगने वाले ग्राम पंचायत बारई के माध्यमिक एवं प्राथमिक स्कूलों में हो रहा है भ्रष्टाचार। स्कूल के मेंटेनेंस के नाम पर आए हुए पैसे दोनों प्रधानाध्यापक द्वारा गमन कर लिए जाते हैं। स्कूल में कुछ भी काम समय पर नहीं होता है। हद तो तब हो गई जब हमें यह पता चला कि ये लोग स्कूल में कभी कभार ही आते हैं। उज्जैन इंदौर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सुबह बड़ोदिया गांव की कुछ महिलाएं खेती बाड़ी के काम से उज्जैन इंदौर मार्ग से पैदल खेतों में जा रही थीं। तभी पीछे से एक कंटेनर ने महिलाओं को टक्कर मार दी। उसके बाद कंटेनर भी पलट गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 3 महिलाओं को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
कटनी के माधव नगर थाने में अमकोही इलाके में मिड डे मील कारखाने में बॉयलर फटने से आज हादसा हो गया। हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए। बॉयलर फटने की आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। ग्राम टांडा के सदर बाजार में विद्युत वितरण कंपनी की बड़ी लापरवाही उजागर हो गई। यहां एक विद्युत पोल का तार टूटकर गिर गया। गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कक्षा 2 के छात्र को बेरहमी से शिक्षक आदित्य ने प्लास्टिक की रॉड से पीटा, जिसके कारण छात्र कृष्णा सिकरवार को गंभीर चोट आई है। मामला स्टेशन थाना इलाके की UDA पब्लिक स्कूल का है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। परिजन जन सुनवाई में स्कूल को पूरी तरह बंद कराने की मांग कर रहे हैं। जिससे किसी और बच्चे के साथ तो नहीं ऐसी बदतमीजी की मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन एवं राजगढ़ SP के निर्देश अनुसार बोड़ा थाना के अंतर्गत आने वाले शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल भेसाना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सम्मान सुरक्षा स्वरक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मौजूद महिलाएं एवं स्कूली छात्राओं को कानूनी जानकारी देने के साथ साथ बेटी को जागरूक रहने के लिए एक फिल्म भी दिखाई गई। इस मौके पर बोड़ा थाना प्रभारी जुबैर खान, भैसाना चौकी प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या ग्रामीण महिलाएं मौजूद थी। कोई को कोई समस्या है, पुलिस यानी ऐसी परेशानी जैसे घर पे कोई परेशान करता है या आसपास कोई लड़के वगैरह छेड़छाड़ वगैरह करते हैं, ऐसी कोई समस्या है क्या गाँव में? ठीक है, यदि आपका किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है तो अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को मतलब, ठीक है, उनको सूचना दें और यदि वो जागरूक हैं तो वो घटना घटित होगी ही नहीं। वो संबंधित जहाँ भी यदि अपना सर ने बोला कि साहब आप हमें सूचना दीजिए, यदि सर तक सूचना पहुँचती है, सर के माध्यम से सूचना पहुँचती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। वो तो कार्रवाई जो होगी वो आपके इसके लिए, क्योंकि हम यदि एक चीज़ को सहन कर रहे हैं, बार बार सहन कर रहे हैं तो हम सामने वाले को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी न किसी रूप में हम उसको मजबूत कर रहे हैं और अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। तो शासन का भी उद्देश्य यही है कि लड़कियों को, महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनको अपने पैरों पर इतना मजबूत कर दिया जाए कि सामने वाला 10 बार सोचे, जब तक ये नहीं होगा। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ अंतर्गत आने वाले शासकीय हाई स्कूल हुसैनपुर में निशुल्क साइकिल वितरित की गई, जिसमें बच्चों से 50-50 रुपए लेकर ही उन्होंने साइकिल वितरित की। जब हमारी टीम ने स्कूल के प्राचार्य से बात की तो उन्होंने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम भाड़ा ले रहे हैं। इस संबंध में SDM से हमारी टीम ने शिकायत की है। SDM ने हमें कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। सर गुजना स्कूल में तो पैसे नहीं लिए, आपने क्यों लिए? गुजना में बिल्कुल नहीं लिए, आप क्यों ले रहे हो? मैं तो ये मजदूरी के ले रहा हूँ। मजदूरी इसमें क्या बात है मजदूरी की? देखो क्या, चलो ठीक है, तुम मान रहे हो। कौन है कितने रुपया ले? सर सर 50 ही ले बस। सर 40 का कई पैसे पर मैंने 50 ले लें तो 10-10 वापस कर देते। 40 साइकिल दिलवाने के लिए आया तो मास्टर ने कहा कि 50 रुपए लगेंगे, नहीं तो साइकिल नहीं मिलेगी। तो मैं लौट कर घर चला गया और दूसरे दिन आया तो 50 रुपए देने पड़े। अभी पंचर के लिए पंचर है उसमें और उसके लिए पैसे नहीं है। सर ने 50 रुपए लिए।
सही नहीं आ रहे हो ना का नाम मल्ला आपने वापस क्यों कर दिए सर पैसे वापस? हाँ वापस तो कर दिया कहा है क्यों कर दिए कुछ कारण तो था उसके पीछे कुछ रहस्य? अरे ले तो मैं रहस्य कहा कुछ नहीं ला बोले आइयो ला भैया चल दूसरा चल। तो पैसे लिए सर ने कितने लिए? 50। तो फिर क्या हुआ वापस क्यों कर दिए? समाचार के संक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।